हाय स्टूडेंट, आज की दूसरी क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस का, आवेश का, पावर का, ऊर्जा का, हीट का। तो इसके आधार पर आपके न्यूमेरिकल होंगे। हमने रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था सीरीज पैरेलल वाला पिछली वीडियो में। तो यानी एक रेजिस्टेंस वायर में 15 वोल्ट है, उसमें वोल्टेज पर 2 एम्पियर करंट हम फ्लो कर रहे हैं, तो 30 सेकेंड में उस वायर में ऊर्जा का वे कैसे होगा। मान लो कोई रेजिस्टेंस है, उसमें ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सप्लाई सोर्स है, बैटरी कनेक्टर देता हूँ, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ठीक है। अब ये टाइमिंग क्या है, इसकी जो टाइमिंग है वो है 30 सेकेंड। अब इस रेजिस्टेंस जो एनर्जी वे कर रहा है उसकी आपको गणना करनी है, ठीक है। एनर्जी वे तो डायग्राम आएगा समझ में किसी को देखकर, ठीक है। ऊर्जा वे का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ भाई ऊर्जा वे का फॉर्मूला, एनर्जी VIT होता है, VIT वे ऊर्जा, वे ऊर्जा हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है VIT जूल, ठीक है। यूनिट होती है जूल। तो वोल्टेज कितनी है, अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, V की वैल्यू कितनी निकाली बताई थी हमने, 15 वोल्ट, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, सॉरी I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, और टाइमिंग कितनी है, T सेकंड, ठीक है। वोल्टेज हमारी 15, करंट कितनी है 2 और T सेकंड, ठीक है। तो कितना हुआ दोनों का, 15 30 30 या इतने जूल हो गए भाई, 900 जूल, इसे कोई दिक्कत। अब आप कहोगे जब 1 जूल बराबर, देखो वोल्टेज हमेशा वोल्ट होने चाहिए, करंट एम्पियर होने चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, और इससे कोई डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। वोल्टेज को वोल्टेज में दे कर किलो वोल्ट में दे रहता है, उसको चेंज करना पड़े, एम्पियर को करंट को एम्पियर में देखे, और किसी में टाइम को घंटा होता है, एक मिनट होती है, तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में ही चेंज करना पड़ेगा। सेकंड की यूनिट और सॉरी टाइम की यूनिट हमेशा टाइम इसमें सेकंड में ही लेना, जब वह ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। अब सेकंड में कर लेते हैं, सेकंड में कल दूसरे फॉर्मूले में इस पर है, ओके स्टूडेंट।